हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। भगवद गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। भगवद गीता का पांचवा अध्याय कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में यहाँ कृष्ण हमें बता रहे हैं। इससे पहला अध्याय था चौथा, जिसे हम दिव्य ज्ञान कहते हैं। तो पांचवे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कर्म करने के बारे में बता रहे हैं कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए। अर्जुन ने पूछा था कि हे भगवान, कभी आप मुझे कहते हो कर्म का त्याग करो, कभी आप कहते हैं कर्म करो, तो आखिर मुझे करना क्या है। भगवान ने कहा था कि कर्म के फल का त्याग करो, लेकिन भक्ति पूर्वक कर्म करते रहो। कर्म का त्याग करके कभी भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती, कभी भी कोई भगवत धाम नहीं जा सकता। कर्म का परित्याग करने का मतलब है कि सन्यासी बन जाना, सन्यासी बनकर गुफा में बैठ जाना, उससे कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि वह अपने पुराने समय को याद करता रहता है। कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन जब वह भक्ति में लग जाता है, भक्ति पूर्ण कार्य करता है, तब वह भगवत धाम की ओर अग्रसर होने लगता है। तब उसको ना सन्यासी बनने की जरूरत, ना गृहस्थ बनने की जरूरत। तब वह जो भी कर रहा है, चाहे वो गृहस्थी में हो, सन्यासी हो, कैसे भी हो, अगर वो भक्ति में लग जाता है, भक्ति युक्त कर्म करने लग जाता है, तब वह भगवत धाम की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं। जो लास्ट एपिसोड था उसमें श्री कृष्ण ने हमें क्या बताया, उसमें श्री कृष्ण ने दो बातें हमें बताई। एक तो ये कि जो आत्मा होती है वो कभी भी किसी शरीर को कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करता, न ही स्वयं कोई कर्म करती है और ना ही किसी कर्म फल की रचना करती है। यह सब प्रकृति के गुणों द्वारा बनाया जाता है। ये सब सिस्टम प्रकृति से आता है कि प्रकृति में हम क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, वे गुण हमारे अंदर आने लगते हैं और उसके अनुसार फिर हम कर्म करने लगते हैं। दूसरा, भगवान ने क्या बताया कि परमेश्वर किसी के पाप या पुण्य को ग्रहण नहीं करते, अर्थात भगवान कभी भी किसी के पाप के लिए या किसी के पुण्य के लिए उत्तरदायी नहीं होते। यह कार्य इंसान द्वारा स्वयं किया जाता है, उस शरीर द्वारा स्वयं किया जाता है। मन, बुद्धि, अहंकार उस शरीर से ये कार्य करवाता है। कैसे करवाता है? अज्ञानवश। इंसान अज्ञानवश मोहग्रस्त हो जाता है। मान लीजिए आप प्रकृति में उसने कुछ ऐसी चीज देख ली जिसको देखकर उसे लगा कि मुझे भी इस तरह से मजा करना चाहिए, तो इस तरह का मजा करने के लिए मुझे क्या कर्म करना पड़ेगा। वह यह सोचकर उसके अनुसार कर्म करने लगता है, चाहे वह कर्म सही हो या गलत हो। अगर उसने गलत कर्म किया तब वह पाप का भागीदार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसा श्री कृष्ण ने हमें बताया है लास्ट एपिसोड में। इस तरह भगवान किसी के पाप पुण्यों के लिए भागीदार नहीं होते, भगवान बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। इंसान स्वयं अपने लिए पाप या पुण्य के कर्म सेलेक्ट करता है। तो ये जो मोहग्रस्त होता है इंसान अज्ञान की वजह से, यह उसके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है, यानी कि कवर करके रखता है। इंसान वैसे तो जो जीव होता है वो परमात्मा का एक अंश होता है, इसलिए उसके अंदर पूर्ण ज्ञान होता है। लेकिन जो अज्ञानता का अंधकार होता है वह उसके उस ज्ञान को ढक कर रखता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, भगवान इस संदर्भ में और क्या कहेंगे। हरे कृष्णा। उससे पहले हम भगवान की और श्री गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आइए आगे बढ़ते हैं। ज्ञाने तो तत्ज्ञानम् येषां नाशितम् आत्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। हरे कृष्णा। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का नाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब इंसान पूर्ण ज्ञान ले लेता है, वैसे तो पूर्ण ज्ञान वह होता है, लेकिन अज्ञानता उसका पर्दा करके रखती है, अज्ञानता उसके ऊपर अंधकार बनाए रखती है, एक कवरिंग करके रखती है, जिससे उसका ज्ञान ढक जाता है और इंसान मोहग्रस्त हो जाता है। लेकिन जब वह किसी गुरु के शरण में जाकर या किसी भी तरह से ज्ञान अर्जित कर लेता है, तब वह अंधकार दूर हो जाता है, वह अंधेरे का जो कवरिंग है वह दूर हो जाती है, तब उसे साफ साफ सब कुछ दिखाई देने लगता है। जैसे
भगवान ने एक एग्जाम्पल लिया है कि सूर्य के प्रकाश का। अगर सूर्य का प्रकाश हो तो हमें सभी चीजें दिख रही हैं, जिसका जैसा स्वरूप है वैसा दिख रहा है। लेकिन जब सूर्य छिप जाता है या अंधकार हो जाता है, तब हमें चीजें कैसे दिखती हैं? फॉर एग्जाम्पल, जो आपने हाथ में ये मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसकी स्क्रीन ऑफ है, तो आपको अंधेरे में कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। आपका जो पंखा है वह कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। आप खुद शीशे में खुद को देखोगे, कैसे दिखोगे? काले दिखोगे। साइकिल क्या है? काली रंग की है। धरती क्या है? काले रंग की है। इंसान कैसा है? काले रंग का है। मतलब कोई भी चीज जब भी हम देखने की कोशिश करें, सूर्य के प्रकाश से अंधकार की तरफ आने पर, जब सूर्य का प्रकाश ना हो, अंधेरा हो, तब हमें हर चीज अंधकारमय दिखती है, काली दिखती है। लेकिन जैसे ही सूर्य की रोशनी उस पर पड़ी, तब क्या होगा? इंसान कैसा है? इस तरह का है, ब्राउन सा कलर है। और साइकिल कैसी है? कोई ब्लू है, कोई रेड है। तब उसका वास्तविक रूप दिखने लग जाता है। उसी तरह जब अंधकार मिट जाता है ज्ञान की रोशनी से, तब इंसान को साफ साफ सभी चीजें नजर आने लगती हैं कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह के उसे कर्म करने हैं, पाप करने हैं, पुण्य करने हैं, या क्या नहीं करना है, भगवान की तरफ बढ़ना है, उसे ये सब पता लग जाता है और उसे सब क्लियर दिखता है। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पर प्रभु जी लेते हैं। अद्वैतवादी का कंसेप्ट होता है, जो लोग अद्वैतवादी होते हैं वो कहते हैं कि सभी चीजें एक हैं, सब चीजें एक हैं, मिट्टी और मिट्टी का घड़ा एक है। कैसे? चैतन्य महाप्रभु जी जब छोटे थे, बालक थे, तब उनकी माता शची ने उन्हें एक सौंदेश बनाकर दिया कि आप इसे खाइए, मतलब अपने पुत्र को दिया कि तुम इसे खाओ। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने देखा निमाई के रूप में, निमाई पंडित के रूप में, छोटे थे जब वो, तब वो मिट्टी खा रहे थे। माता बोली, शची माता, यशोदा माता का ये एक रूप है, माता बोली कि तुम ये क्यों खा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए सौंदेश बना के लाई हूँ इस घड़े में, इस मिट्टी से बने हुए घड़े में, लेकिन तुम मिट्टी को खा रहे हो। तब बालक ने कहा कि हे माता, सब कुछ एक है, यह मिट्टी, यह सौंदेश, सब एक है, एक ही चीज से बना हुआ है। माता कहती, ये तुम्हारे अंदर किसने डाल दिया इस तरह का ज्ञान? तो इस तरह का ज्ञान मतलब वो सब चीजों को एक समझते हैं। वैसे वो तो खुद स्वयं श्री कृष्ण हैं, चैतन्य महाप्रभु, लेकिन वो तो बाल लीला कर रहे थे, इसलिए माता के साथ ऐसी बात कर रहे थे। लेकिन भगवान यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं कि जब ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, तब वो अंधेरा मिट जाता है, तब अद्वैतवाद का कंसेप्ट फेल हो जाता है। अद्वैतवाद में सब चीजें एक होती हैं, लेकिन वास्तव में सब कुछ एक नहीं होता। मिट्टी का घड़ा और मिट्टी, वैसे तो उसका गुण एक ही होता है, लेकिन वह बदलाव भी होता है उसमें, वह चेंज भी होता है, अंतर भी होता है। घड़ा पानी को ठहरा सकता है अपने अंदर, लेकिन खाली मिट्टी के ऊपर अगर हम पानी डाल दें तो पानी बह जाएगा, मिट्टी अलग हो जाएगी। इसी तरह मिट्टी हुई तो एक, लेकिन दोनों के स्वरूप फिर भी अलग हैं। इसी तरह हर चीज अलग होती है। अद्वैतवाद ये भी मानता है कि जीव और परमात्मा एक हैं, आत्मा और परमात्मा एक है, प्रकृति और जीव एक हैं, लेकिन एक तो नहीं है, अलग अलग हैं। जीव जीव है, परमात्मा परमात्मा है, जीव तो सिर्फ परमात्मा का एक अंश मात्र है, एक कैसे हुए? इस तरह से अद्वैतवाद का कंसेप्ट यहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं यहाँ पर कहा है कि जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तब सब चीजें अलग अलग बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाती हैं, अंधकार मिट जाता है। लेकिन अद्वैतवाद में अंधकार की कवरिंग रहती है। हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम ये एक ही श्लोक करेंगे, इस पर आप आत्म मंथन कीजिए, इसको ढंग से समझिए, बुक आप साथ में रखिए, श्रीमद् भगवद गीता एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा लिखी हुई बुक है ये। श्री कृष्ण ने स्वयं जो बोला है वही इस बुक में लिखा हुआ है। आप इस बुक को सामने रखिए, फॉलो कीजिए और इस श्लोक का मंथन कीजिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आगे हम कल करेंगे, सभी साथ बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।